अरे तुम तो भाई एक उंगली से भी उठा दोगे। कितना वेट है वैसे? मैं तो कहाँ कहाँ लोकेशन में। अरे यार ये क्या सीन है? ये सही लफड़ा ले लिया यार। मतलब और कोई था नहीं? वेट करने का सफर कपल मीठे में ले दोस्तों। ये ओखला के लिए मिला है 290 रुपए का। ओला बच्चा ऊपर बच्चा कुछ भी बन सकता है। मतलब नोएडा आने से बहुत डरता है। एंड मतलब नोएडा नोएडा मतलब नहीं, तो मेरे लिए तो नहीं है यार। तो वेलकम बैक इन न्यू वीडियो दोस्तों। भाई आज का दिन है अपना रविवार। टाइम हो रहा है भाई अपना 12:16 भाई, 12:15 हो चुका है। और मीटर की रीडिंग है भाई अपनी 260। ठीक है भाई, लेट लेट और लेट भाई। एक पोर्टर में बजा भी श्रीनगर के लिए। आज से पता नहीं है, बोला भाई कस्टमर, बोला भाई आ जा लोकेशन पे, 200 कुछ का अमाउंट है। अगर चलो यार निकले तो सही, कम से कम यहाँ से मजा आएगा। लोकेशन जरा एग्जैक्ट है तो लोकेशन पे पहुंच गया भाई, ज्यादा नहीं है, 2 मिनट की दूरी दिखा रहा है लोकेशन पेठे वाली गली। सब ठीक है, नहीं पता है। हाँ जी भाई जी, लोकेशन पे आ गए। मनोज जो कोने पे हार्डवेयर वाली दुकान है ना रोड पे, हाइड कर रखी। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है। मैं तो सोचा कोई पेठा बेठा भी खोलना पड़ता है बार बार। क्या पार्सल है, क्या पार्सल है देखिए जरा। हाँ भाई जी, क्या सामान जाएगा? कॉल है ही क्या? चलो हाँ भाई, पेमेंट वही करेंगे। कितना बेटा है उठा रहे हो तुम ऐसे? है भाई तो कह रहा हूँ। अरे तुम तो भाई एक उंगली से भी उठा दोगे। कितना वेट है वैसे? हाँ चल जाएगा, ठीक है। चलो भाई ले लिया पार्सल, ट्रिप स्टार्ट करते हैं श्रीनगर। कितने किलोमीटर होगा? 17 किलोमीटर आसपास होगा, 16 किलोमीटर भाई। बहुत बढ़िया भाई, पंजाबी बाग होते हुए। चलो भाई मिलते हैं। हाँ अमाउंट बता देता हूँ भाई, 202 रुपये का अमाउंट है, 20 रुपये ऑनलाइन है। मिलते हैं भाई 12:20 रुपये। पहला पार्सल हमने एक्सेप्ट कर लिया अभी, और ये है पार्सल, उसको बांधते फोन कर। हेलो, हाँ जी सर, पोर्टर से बोल रहा था। हाँ मैं हूँ, ये इधर लिखा मेरे सामने बोर्ड है, गली नंबर 26। गली नंबर 26 लोकेशन पे सही था भाई। ये लो भाई साहब, अभी बता रहा हूँ। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ सर, मेरा यूट्यूब चैनल है। ब्लॉगिंग करते हो डेली रोजमर्रा की? अच्छा जरूर, बात ऑनलाइन डिलीवरी तो बढ़िया रहता। हेलो, वो नहीं ऐसे चलाने। चलो भाई आने का मिल गया। रोहनी 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 कहाँ कहाँ थे? रोहनी सेक्टर 18 कहाँ? बलजीत नगर, पटेल नगर, क्या क्या होते सर? अरे भाई ये तो कहाँ कहाँ लोकेशन। अरे यार ये क्या सीन है? ये सही लफड़ा ले लिया यार। मतलब और कोई था नहीं? बलजीत नगर, कुणाल पॉइंट शॉप। देखो भाई तगड़ा ही ले लिया भाई, 7.7 किलोमीटर बारह मिनट दिखा रहा भाई। लो भाई उसको कैंसिल करवाया मैंने, कस्टमर को समझाया चेंज ऑफ माइंड कर देना, अगले बंदे ने कर दिया, कैंसिल भी हो गया। और
कैंसिल होते ही भाई एक और बज गई भाई, अपने को कहाँ की बजी है ये, अपने को जाना है इंक्लेव, महावीर इंक्लेव अपना वही था दशरथपुरी भाई, 202 का अमाउंट है ठीक है, बट है तो ठीक तो सही। चलो भाई पहले पहुँचते हैं, 6 मिनट दिखा रहा है, पहुँच के बात करते हैं और 1:11 हो गया भाई। कहाँ दिखा रहा है लोकेशन यार भाई साहब, मेरे को ना ऐसी गलियों से ना बहुत ज़्यादा सख्त, जितनी देर में हम वैसे पहुँच जाए ना इतनी देर में तो गलियाँ नहीं पहुँच रही। अब ये 100% पता नहीं लोकेशन गलत है सही है कोई पता नहीं, इलेक्शो के पास खड़ा होगा, जियो डिजिटल इलेक्शो। आज सर पोर्टर किया था आपने, सर ये इलेक्शो के पास खड़ा हूँ। हाँ जी आ गई है 168 नंबर गली में। जिंदगी ढक्कन तो टाइट है ना आपका? ढक्कन ढक्कन सब खुला है। केमिकल है क्या? हाँ मेरे को तो रिस्की लग रहा है ऐसे। हाँ वही तो ढक्कन टाइट होना चाहिए बस, ढक्कन टाइट है गिरने के बाद नहीं कुछ टाइट होना इसलिए। हाँ तो कह रहा हूँ अभी इसको एक और रस्सा बन जाएगा ना। लो भाई दोस्तों पहुँच गए, या हर बार की तरह ये अपना ही नंबर डाल देते हैं हर पार्टी की जगह, इनका सही लग रहा है। कटनी चाहिए है विमल फिटनेस जी। अब आज पोर्टर से बोल रहा था, ये आपके लोकेशन पे खड़ा हूँ इधर विमल फिटनेस। हाँ नीचे नहीं आ सकता वो? हाँ ठीक है फोन नंबर दे। हर फ्लोर पर क्यों जाऊँगा यार, ये इससे ये इसको नंबर दे रहा है, ये किसी और का नंबर दे रहा है, ये नंबर नंबर खेल रहे हैं यार यहाँ पे भी। बताओ वेट करने का सफर का फल मीठे मिले मेरे दोस्तों भाई, ओखला के लिए मिला है 290 रुपये का, और पिकअप क्या है अंदर से अब ये नहीं समझ रहा, 1 किलो तो अपनी जरूरत है क्या देखते हैं। सीधा जा रहा हूँ, उससे पहले बजा था 277 रुपये का, अरे कहाँ का था नहीं था पता नहीं, बट जो नसीब में। ओह भाई साहब क्या गाड़ियाँ हैं। संजय जी कौन है? संजय एडवाइजर ना, एडवाइजर है ना, अब कोई भी संजय नाम है एडवाइजर भाई, जॉब कर दे मेरा। रुको बात करा रहा हूँ ना सर भाई, ये लो बात कर लो, स्पीकर में ही करना, हेडफोन मत करना, जल्दी दे दो, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, मैं तो पार्किंग भी नहीं रखी है, कम से कम सामान वगैरह लेके आते पार्किंग पे रखो। अरे यार कोई बाइक उठा ले जाया था तुम्हारे, इसके चक्कर में मेरा नुकसान हो जाएगा, और फल वाले को बोल के आया हूँ भाई इसका ध्यान रखियो, यही है ना। कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर है ये तो, 25 दिखा रहा है ये, 26 25। धन्यवाद सर, लो भाई मिल गया पास। भाई तो खड़ी सीढ़ी है भाई, घट गया घट निकला था। लो जी दोस्तों 3:33 मजबूरन लेना पड़ गया, नहीं तो टाइमर लग जाता। 205 का अमाउंट है और सेक्टर 67 जाना नोएडा, और करीब कितना किलोमीटर है भाई? 1.1 किलोमीटर। मगर चलो यार विकास चलते रहे, कभी और ऐसा भी हो जाता है मूड ऑफ हो जाता है, कदम कमी ले ना मूड ऑफ। आ गए भाई नोएडा दोस्तों, आ गए लोकेशन ठीक है क्या? नो चाइल्ड लेबर, अरे तुम शोषण। चलो भाई मजदूरी कर लो, बिना मजदूरी के पैसे भी नहीं मिलने है ना। ये लो बिल, सब कैश कैश कैश, ऑनलाइन पता नहीं क्यों नहीं देते यार। वैसे मोदी चाहिए और कैश का काम करते हैं। लो भाई हमारा
पार्सल डन। कुछ बचा ही नहीं यार जिंदगी में करने लायक। 720 का काम है। भाई देखो कितना मिला हमें, 160 मिला होगा, 164 भाई, 4 पार्सल डन हो गया, 421 हो गया भाई। देखते हैं अब क्या होता है, मिलते हैं नए अपडेट के। भाई दोस्तों 6 बज चुके हैं, मतलब 5 बजने में सिर्फ 7 मिनट है, और यहाँ बैठे बैठे कुछ टट्टू नहीं खुला भाई, कुछ भी नहीं खुला। एक ही जो बजे कि भाई बज जाए, फोटो बज जाए, ओला बज जाए, ऊपर बज जाए, कुछ भी नहीं बज जाए। इसलिए मैं नोएडा आने से बहुत डरता हूँ, एंड मतलब नोएडा नोएडा मतलब नहीं, ए, मेरे लिए तो नहीं है यार। कभी को और किस्मत में बज जाए तो वो भी ऑन द स्पॉट मिल जाए, जाते ही तो बात अलग है, बैठ गया तो बैठ गया। बताओ यार 4:30 बजे करीब आया था, 6 बज गए, बताओ 1.5 घंटा हो गया मुझे नोएडा में। फायदा क्या हुआ, अच्छा अच्छा तो लाजपत नगर चला जाता, वहाँ तो डेफिनेटली मिलता। कोई नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि 3:30 से बाहर निकल गया था, समझ लो 10 किलोमीटर तो खाली जाना जाना। लाजपत नगर देखते हैं मिलेगा तो, खास नहीं किया यार, मज़ा नहीं आया। स्टार्टिंग तो बढ़िया गई, बैक टू बैक मिले 4 ऑर्डर, उसके बाद पनौती लग गई। चलो भाई देखते हैं। नोएडा में हो गई है काली, राइडिंग की कस्टमरों की, राइडर की कमी नहीं है, कस्टमर की कमी है यार, हद हो गई भाई। मेरा तो दिमाग सब चकरा गया कसम से, मेरे 2 घंटे यार, मानते 2 घंटे, मतलब कि कम से कम मेरी 300 रुपए की अर्निंग मेरी खराब हो गई भाई नोएडा के में। उससे अच्छा तब नोएडा में कभी लूंगा नहीं भाई, शाम के टाइम से हर बार मेरे साथ यही जीम होता है यार। शनिवार के दिन आ जाऊँ फंस जाऊँ, शुक्रवार के दिन फंस जाऊँ, बैग मिल गया छोड़ने के बाद तो समझ लो निकल गए, नहीं तो भाई जिंदगी झंड है। और इधर आके तब जिंदगी खराब ही हो गई है, बिल्कुल ही खराब हो गई भाई, मतलब यार हद है यार, बिल्कुल ही हद है। अब पोर्टर बज रहे हैं, वो वापस बैक नोएडा के बज रहे हैं, ग्रेटर नोएडा के बज रहे हैं। अब ससुरो दिल्ली की दे दो यार तुम तो, अच्छा नहीं चाहिएगी ना तो खड़े पे दोगे तुम। तो दोस्तों फाइनली मैं घर आ गया भाई, मेरा दिमाग ऐसा सनका ना, मैं सीधा 40 किलोमीटर भाई घर आ गया मैं। भाई मेरे बस की नहीं होती, मैं इतना यार हादसा से भाई कितना बर्दाश्त करोगे, या नोएडा जाके मैंने ही गलती कर दी क्या यार। एक टूक भी तो राइड बननी चाहिए ना, ना उबर ना ओला ना रैपिडो कुछ भी नहीं। अरे मेरा मून ठनका, मैं सीधा घर को बनता भाई, सीधी सी बात है। अपनी टोटल कमाई है भाई 720 सिर्फ पोर्टर में ठीक है, और जो टोटल बाइक चली हमारी चल गई भाई 120 किलोमीटर, और मान लो 200 रुपये का पेट्रोल, तो भाई 520 रुपये अर्निंग बचती है। बात करें कितने घंटे काम किए, तो भाई 8 घंटे काम हो चुके हैं। देखो अब ऊबर भी कह रही है घर आ गए तुम, स्वागत है आपका। तो भाई 8 घंटे में हमने कमाए आज 520 रुपये। आज का दिन तो काला सफेद हो रहा था, मगर ऐसा काला मसीहत पड़ गया ओखला में कस्टमर से लड़के, दिन ही खराब हो गया यार। अच्छा भला सही चल रहा था, बैक टू बैक मिल रहे थे होटल भाई, बस ठीक है थी भाई। कैसा करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे भाई, कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो भाई, लाइक तो कर दो। थैंक यू वॉचिंग, बाय।